Assalamu alaikum. Aziz talba aur talibat, mera naam Mohammad Rais Babu hai aur main government degree science and commerce college Karachi community number 6 morning shift mein taluq hai aur taqreeban guzishta 10 saal se zyada arse se yahan main dars o tadreez ki zimmedari ada kar raha hu. Aaj ke is video lecture mein hum jaan sakenge Urdu adab ki ahem tareen सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सिंफ सूख में गजल के हवाले से. गजल क्या होती है, इसके मुख्तलिफ अज्जा कौन से हैं, किस तरह से ये नज़्म से मुख्तलिफ है, बहुत सारी बातें हैं जो इंशाल्लाह ताला आज के हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे. तो एक नज़र डालते हैं सबसे पहले हम अपने आज के इस लेक्चर के आगाज़ व मकासिद पर कि इस लेक्चर को लेने के बाद हम किन चीज़ों के बारे में हमारे इल्म में इजाफा होगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम जान सकेंगे. तो इंशाल्लाह ताला आज के इस लेक्चर के बाद आप सबसे पहले तो ये जान सकेंगे कि गज़ल के मायने क्या होते हैं. इस हवाले से देखिए मुख्तलिफ किस्म के मायने बयान किए जाते हैं और उन्हीं मानी और उसी मफहूम को मद्देनज़र रखकर उसकी कुछ तारीफ भी बयान की गई है जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि गज़ल की हियत क्या होती है, ये किस तरह से नज़्म के मुकाबले में मुख्तलिफ होती है, इसके मुख्तलिफ अज्जा कौन से हैं, इसके मुख्तलिफ हिस्से कौन से हैं, उसकी मुख्तलिफ कौन कौन सी ऐसी फ़नी इस्तलाहात हैं जो गज़ल से वाबस्ता हैं, शायरी से वाबस्ता हैं, वो भी हम पढ़ेंगे. इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि गज़ल जो कि उर्दू की सबसे पसंदीदा तरीन सिंफ सुगन है, आखिर उसमें कौन कौन से मजामीन ऐसे हैं जो गज़ल में बयान किए जाते हैं. इस हवाले से हमारी ये भी बात होगी कि कदीम ज़माने में अमूमी रुझान क्या रहा है और अब गज़ल के मजामीन में किस तरह का तनवो, किस तरह की वसत आ चुकी है, वो भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे. इसके साथ साथ फिर मैं आपको कुछ जो हमारे उर्दू के काबिल फ़ख्र बहुत ही मुमताज़ तरीन शोरा हैं उनकी गज़लों के चंद अशार भी मैं आपके सामने पेश करूँगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि गज़ल के मजामीन में किस कदर वसत पैदा हो चुकी है और ज़िंदगी का शायद ही कोई अब ऐसा गोशा हो जिसके हवाले से गज़ल में अशार, गज़ल के अशार ना पाए जाते हों. फिर आखिर में हम इस लेक्चर के उर्दू के जो मुमताज़ नाकदीन हैं उनकी आरा का भी मुताला करेंगे कि वो गज़ल को किस नुक्ते नज़र से, किस ज़ाविया निगाह से देखते हैं. तो उनकी आरा को जान लेने से हमारा खुद भी जो है वो गज़ल के हवाले से जो हमारी समझ है, जो हमारी एक तफहीम है, उसमें भी इंशाल्लाह ताला बहुत इजाफा होगा. तो चलिए जनाब हम जल्दी से आपके सामने स्लाइड की तरफ जमान एहसानी बहुत अच्छे शायर थे उनकी एक गज़ल आपके सामने जो है वो इस वक्त पेश है और इसी गज़ल की मदद से हम मुख्तलिफ गज़ल के जो अज्जा होते हैं, जो मुख्तलिफ इसके हिस्से हैं और मुख्तलिफ ऐसी फ़नी असलाह जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ है गज़ल से, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे. तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लफ्ज़ गज़ल के हवाले से. तो सबसे पहले कुछ यहाँ पर इसका पस मंज़र, इसके लफ़्ज़ी मायने इनका जान लेना ज़रूरी है और इस हवाले से गलत फहमी का अज़ाला भी ज़रूरी है जो गज़ल के हवाले से, इसके मायनों के हवाले से पैदा हो गई हैं और उस गलत फहमी का अज़ाला, उसको दूर करना भी बेहद ज़रूरी होगा. तो इस हवाले से देखिए कि लफ्ज़ गज़ल के मायने क्या होते हैं. अगर आप दाएं जानिब देखिए तो देखिए अहम निकात के हवाले से सबसे पहले इसी बात की वजाहत की कोशिश की गई है कि गज़ल के लफ़्ज़ी मायने औरतों से या औरतों के मुतल्लिक बातें करना है. इसके साथ साथ याद रखिएगा कि जब शिकारी हिरन का शिकार करते हैं और उसके जब तीर लगता है तो दर्द की हालत में जो उसकी हलक से, उसकी ज़ुबान से जो एक दर्दनाक चीख निकलती है उसे भी गज़ल कहते हैं. अच्छा, ये दो मफाहिम ऐसे थे जिसकी वजह से गज़ल का एक ख़ास तरह का तसव्वुर पैदा हो गया कि जनाब गज़ल सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसमें एक आशिक़ नामुराद होता है, वो अपने टूटे हुए दिल की कहानी सुनाता है, अपने महबूब से, महबूब के ज़ुल्म सितम का तस्करा करता है, बस यही सब कुछ है. लेकिन ये मैं आपके सामने बिल्कुल इस बात की वजाहत कर दूँ कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. गज़ल का एक बहुत बड़ा हिस्सा, गज़ल का एक बहुत बड़ा रंगमान भी शायरी है, इससे कोई इनकार नहीं है. लेकिन अब गज़ल का दामन इतना वसीम हो चुका है कि इसको सिर्फ इसी लगे बंधे तसव्वुर से बांध देना
गजल के साथ जो है एक जुर्म होगा। अच्छा अब आप भी देखिए कि गजल के अंदर आपने नोट किया कि गजल जो है वो मुख्तलिफ अशार पर मुश्तमिल होती है, जैसे कि आप इस वक्त पेश नजर गजल में देख सकते हैं कि इसमें 5 अशार मौजूद हैं। और ये आपके इल्म में होगा, आप इब्तदाई क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे कि हर शेर जो होता है वो 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। देखिए इस पर, चराग सामने वाले मकान में भी न था, ये सानहा मेरे वहमो गुमान में भी न था। कि एक हमारे पास शेर है जो पहले रोज से 2 आंगनों में था हाय, वो फासला तो जमीन आसमान में भी न था। ये भी हमारे पास एक शेर है। इस तरह देखिए तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा शेर। हर शेर जो है वो 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। पहला मिसरा वो हमारे पास मिसराए उला कहलाता है। अंग्रेजी में इसे लाइन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उर्दू शायरी में हम इसे मिसरा कहते हैं। तो किसी भी शेर का पहला जो मिसरा होता है वो मिसराए उला कहलाता है और दूसरा मिसरा मिसराए सानी कहलाता है। ये सलाह याद रखिएगा। तो हर शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। पहला मिसरा मिसराए उला कहलाता है, दूसरा मिसराए सानी कहलाता है। अब देखिए दूसरे शेर की तरफ आ जाइए। अब मैं इसे दोबारा पढ़ता हूँ कि जो पहले रोज से 2 आंगनों में था हाय, ये हमारे पास इस शेर का मिसराए उला है। वो फासला तो जमी आसमान में भी न था, ये जो दूसरा मिसरा मैंने अभी आपको आपके सामने पढ़ा, ये हमारे पास इस शेर का मिसराए सानी है। तो ये अशार के शेर के बारे में हमने थोड़ी सी बात की। अब याद रखिएगा कि गजल मुख्तलिफ अशार पर मुश्तमिल होती है। अब गजल के अशार की तादाद कितनी होनी चाहिए इस बारे में कोई लगा बंधा उसूल नहीं है। कहा जाता है कि 5 से लेकर 17 तक, लेकिन इस हवाले से कोई भी लगा बंधा उसूल नहीं है। बाद शोरा इस बात पर इसरार करते हैं कि जी इसमें ता तादाद में होने चाहिए अशार। तो अब मौजूदा जमाने में, जदीद जमाने में इस तरह की बंदिशों के शोरा कराम जो है वो कायम नहीं रहे। अब 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो, ये कोई ऐसा मसला जो है वो गजल के हवाले से नहीं होता। तो गजल के बारे में याद रखिएगा कि मुख्तलिफ अशार पर मुश्तमिल होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर 5 अशार पर मुश्तमिल हमारे पास गजल है। और सबसे बड़ी खूबसूरती जो गजल को दूसरी तमाम असनाफ शायरी से मुमताज करती है वो ये है कि गजल का हर शेर अपने तौर पर मुकम्मल होता है। मिसाल के तौर पर देखिए, चराग सामने वाले मकान में भी न था, सानहा मेरे वहमो गुमान में भी न था। अब आप इस शेर को समझने के लिए हमें ना तो अगले अशार को पढ़ने की जरूरत है और ना ही, अगर फर्ज कीजिए कि ये कोई दरमियान से मैंने शेर लिया होता, तो इससे कबल के अशार पढ़ने की भी जरूरत नहीं। गजल का हर शेर अपने तौर पर एक मुकम्मल इकाई, एक मुकम्मल यूनिट की सूरत में होता है, अपने मुकम्मल मायने को बयान करता है, मुकम्मल मफहूम को बयान करता है। और उसे समझने के लिए उससे मा कबल अशार की जरूरत नहीं होती, ना बाबाद अशार की जरूरत होती। उससे पहले कि किसी शेर को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ना उसके बाद। आप कोई सा भी एक शेर गजल से लीजिए, वो मुकम्मल आपको एक कहानी, एक मुकम्मल मजमून, एक मुकम्मल मफहूम आपके सामने पेश करेगा। और यही गजल की सबसे बड़ी खूबसूरती, यही रंगारंगी, यही तनवो, यही वसत गजल को नज्म से मुख्तलिफ बनाता है। क्योंकि नज्म में भी अशार होते हैं, नज्म में कतात भी होते हैं, बंद भी होते हैं। तो लेकिन ये याद रखिएगा कि नज्म को समझने के लिए हमें उसकी बिल्कुल आगाज से लेकर इंतहा तक, इख्तिताम तक पढ़ना होता है, तभी कोई नज्म हमें मुकम्मल मायने हमें हमारे सामने पेश करती है। लेकिन गजल के साथ ऐसी कोई पाबंदी, ऐसी कोई भी बंदिश नहीं। हर शेर मुकम्मल है अपने मज़मून के लिहाज से, अपने मफहूम के लिहाज से। इसीलिए इसे एक मुश्किल सिंफ़ सुगन भी कहा जाता है, क्योंकि जो बात भी शायर, जो मज़मून भी, जो ख्याल भी शायर पेश करना चाहता है, उसके पास सिर्फ 2 मिसरे होते हैं। गोया उसे दरिया को कूजे में बंद करना होता है और ये बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन यही गजल की इनफरादियत है, यही गजल की खूबसूरती है, यही गजल का इम्तियाज है। अब आप देख रहे होंगे कि इस गजल को लिखने के बाद कुछ मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल भी हमने किया हुआ है, ताकि जो हम बात अभी आगे चलकर समझने वाले हैं वो हमारे लिए आसानी हो। और इसके साथ साथ आप मुख्तलिफ किस्म के बॉक्सेस भी देख रहे होंगे, इन बॉक्सेस की मदद से हम गजल के मुख्तलिफ अज्जा को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि गजल का कोई भी, गजल का जो पहला शेर होता है उसे हम
शायरी की इस्तेलाह में मतला कहते हैं। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। असल में मतला लफ्जी मायने जो होते हैं, असल मतला कहते हैं तुलू होने की जगह। अब जहां से सूरज फर्ज कीजिए तुलू होता है, तो सिर्फ हम गजल के पहले शेर को देखकर ये बता सकते हैं कि गजल का काफिया क्या है, रदीब क्या है। तो ये एक तरह से तुलू होती है गजल पहले शेर से, और अपने बारे में तमाम तर मालूमात हमें दे देती है। तो हमें पहली बात याद रखनी है कि गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, और इसकी खास बात यह होती है कि मतला जो पहला शेर है, इसका पहला मिसरा और इसका दूसरा मिसरा, दोनों मिसरों में काफिया मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि मैंने यहाँ पर येलो कलर के अंदर हाईलाइट किया हुआ है, ये काफी है। और काफिया आपको पता होगा कि काफिये ऐसे अल्फाज जो हम आवाज होते हैं, जैसे आप इस गजल पर गौर कीजिए तो जितने भी अल्फाज येलो कलर में आपको नजर आ रहे हैं सारे काफी हैं, हम आवाज अल्फाज हैं। मकान, गुमान, आसमान, दरमियान, कमान, ध्यान, ये सारे हम आवाज अल्फाज हैं और ये काफी हैं। याद रखिएगा कि बगैर काफिये के इस्तेमाल के कोई भी गजल गजल नहीं कहला सकती, मुकम्मल नहीं होती। लेकिन पहला जो हमारे पास गजल का शेर, जिसे हमने कहा कि मतला कहते हैं, इसके पहले शेर के अंदर, पहले शेर के पहले मिसरे में, यानी मिसरा उला में और मिसरा सानी दोनों में हमें काफिया नजर आता है, और काफिया मौजूद होना जरूरी भी होता है। दूसरी बात याद रखिएगा कि आप यहाँ पर देखे होंगे कि ब्लू कलर में नीले रंग में भी कुछ अल्फाज को यहाँ पर नुमाया किया गया है, लिखा गया है। ये हमारे पास रदीफ कहलाते हैं, जैसे कि आप ये बॉक्स में देख रहे हैं। तो जितने भी आप ये नीले रंग में अल्फाज देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? रदीफ। रदीफ के बारे में याद रखिए कि रदीफ से मुराद वो लफ्ज या अल्फाज होते हैं जो काफिये के बाद दोहराए जाते हैं। अक्सर आपको गजलें जो नजर आएंगी उनमें रदीफ जरूर मौजूद होगी, यानी वो लफ्ज या अल्फाज जरूर आ रहे होंगे जो काफिये के बाद दोहराए जाते हैं, जिसे हम शहरी इस्तेलाह में रदीफ के नाम से मौसूम करते हैं। अब आइए दोबारा जहां से हमने अपना सिलसिला शुरू किया था कि गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, और इस मतला के दोनों मिसरों में काफिया होगा और काफिये के साथ साथ रदीफ भी होगी, जैसा कि आप इस शेर में देख सकते हैं। चराग सामने वाले मकान में भी न था, ये सानहा मेरे वहमो गुमान में भी न था। पहले मिसरे में काफिया रदीफ मौजूद है, दूसरे मिसरे में भी काफिया और रदीफ मौजूद है। लेकिन याद रहे कि मतले के बाद जितने भी अशआर आएंगे उनमें हर शेर के पहले मिसरे में, जिसे हम मिसरा उला कहते हैं, उसमें काफिया और रदीफ की पाबंदी नहीं होगी। देखिए, जो पहले रोज से दो आंगनों में था हाय, इसमें काफिया रदीफ नहीं, लेकिन मिसरा सानी में लाजमन काफिये और रदीफ की पाबंदी की जाएगी। वो फासला तो जमीन आसमान में भी ना था, देखिए यहाँ पर आसमान काफिया मौजूद है, में भी ना था, यहाँ पर रदीफ भी मौजूद है। अगले शेर की तरफ आइए। ये गम नहीं है कि हम दोनों एक हो ना सके, अब आप गौर कर सकते हैं कि इस शेर के मिसरा उला में काफिया रदीफ मौजूद नहीं है, लेकिन मिसरा सानी की तरफ आइए। ये रंज है कि कोई दरमियान में भी ना था, इसमें काफिया दरमियान और रदीफ में भी ना था मौजूद। छोटे शेर की तरफ आई। हवा न जाने कहां ले गई वो तीर के जो निशाने पर भी न था और कमान में भी न था। आपने गौर कर लिया होगा कि इस शेर के मिसरा उला में भी काफिया रदीफ मौजूद नहीं है, लेकिन मिसरा सानी में काफिया और रदीफ मौजूद है। आखिरी शेर की तरफ आई कि जमाल पहली शनासाई का वो एक लम्हा, उसे भी याद न था, मेरे ध्यान में भी न था। आप वही बात नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर मिसरा उला में किसी भी किस्म का कोई काफिया रदीफ नहीं है, लेकिन मिसरा सानी में काफिया रदीफ दोनों मौजूद है। तो मुख्तसरन हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि गजल का पहला शेर जो कि मतला कहलाता है, इसके दोनों मिसरों में, मिसरा उला मिसरा सानी दोनों में काफिया और काफिया रदीफ के साथ मौजूद होता है, लेकिन इसके बाद जितने भी अशआर उस गजल का हिस्सा होते हैं उसमें हर शेर के पहले मिसरे में, यानी मिसरा उला में काफिया रदीफ नहीं होता, लेकिन मिसरा सानी में काफिया और रदीफ लाजमी तौर पर मौजूद होता है।
आप इन तमाम अशआर में देख सकते हैं और तमाम काफियों को हमने यहाँ पर येलो कलर में नुमाया करके लिखा है और रदीफ को हमने नुमाया करने के लिए उसे नीले रंग में लिखा है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं। मतलब की बात हुई कि गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफी रदीफ होता है, काफी की बात हुई कि ऐसे अल्फाज जो हम आवाज होते हैं, जैसे यहाँ पर मकान, गुमान, आसमान था। रदीफ की बात हुई कि ये वो लफ्ज या अल्फाज होते हैं जो काफी के बाद दोहराए जाते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। याद रखिएगा कि गजल का आखिरी शेर उसे हम मक्ता कहते हैं। देखिए, आप ये नोट कर सकते हैं यहाँ पर मक्ता। मक्ता असल में जो लफ्ज निकला है वो कता से निकला है, कता काटना, क्योंकि यहाँ पर पूरी गजल का इख्तिताम हो रहा होता है, तो इसी नस्बत से इसे मक्ता कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गजल अपने इख्तिताम को पहुंचती है। तो गजल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, लेकिन मक्ता में आपको सिर्फ यही नहीं कि वो गजल का आखिरी शेर होगा, बल्कि आप ये नोट करेंगे कि उस गजल के आखिरी शेर में शायर अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करता है। ये गजल जमाल एहसानी की है, तो उन्होंने अपना नाम यहाँ पर देखिए जमाल इस्तेमाल किया है, लेकिन बाद शोरा अपना नाम नहीं बल्कि अपना कोई कलमी नाम जिसे हम तखल्लुस कहते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप हम सब जानते हैं कि असदुल्ला खान ये असल नाम था, लेकिन वो मारूफ किस नाम से थे? गालिब के नाम से। गालिब उनका तखल्लुस था, उनका कलमी नाम था, जिसे अंग्रेजी में पेन नेम कहा जाता है। तो मक्ता में याद रखिएगा कि ये गजल का आखिरी शेर होगा, लेकिन सिर्फ आखिरी शेर ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आप उसमें इस बात को भी नोट करेंगे कि उसमें शायर अपना नाम या फिर अपना तखल्लुस या कलमी नाम जो है वो इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर भी जमाल एहसानी ने अपना नाम इस्तेमाल किया है कि जमाल पहली शनासाई का वो एक लम्हा उसे भी याद न था, मेरे ध्यान में भी न था। तो ये गजल की एक छोटी सी मुख्तसर सी एक हियत थी जिसे आपने पहचाना कि ये नज्म से क्यों मुख्तलिफ होती है, और इन्हीं तमाम बातों को हमने अहम निकात करके कुछ निकात की शक्ल में, पॉइंट की शक्ल में बयान किया है। एक नजर हम इस तरफ भी डालते हैं। देखिए, पहला हमारे पास कि गजल की लफ्ज़ी मायने की बात की हमने, लेकिन याद रखिएगा कि इससे आपको ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि जनाब ये सिर्फ गजल जो है इश्को आशिकी के हवाले ही से होती है। ये भी उसका एक हिस्सा है, ये भी उसका रंग है, लेकिन गजल सिर्फ यही कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ है। दूसरा देखिए, हमारे पास जो भी हमने बात की कि गजल अशार पर मुश्तमिल होती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अशार नज्म में भी होती है। लेकिन याद रखिएगा कि जो चीज इसे नज्म से मुख्तलिफ करती है वो अगला हिस्सा जिस पर गौर करने की जरूरत है कि गजल अशार पर मुश्तमिल होती है और नज्म के बरक्स गजल का हर शेर एक मुकम्मल मफहूम अदा करता है। ये उसकी वो अहम बात है जो इसे नज्म से मुमताज करती है। तीसरा पॉइंट देखिए हमारे पास कि काफिया हम आवाज अल्फाज को कहते हैं, मसलन मकान और गुमान वगैरह। ये हमने इस गजल के हवाले से लिखा है, लेकिन आप दूसरे और भी काफिये देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जिंदगी, बंदगी, दिलकशी, ये सब हम काफी अल्फाज हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये पॉइंट हमारे पास, ये नुकता हमारे पास रदीफ की वजाहत करता है कि वो लफ्ज या अल्फाज जो काफिये के बाद दोहराए जाते हैं रदीफ कहलाते हैं। अब जो हमारी पेश नजर गजल है अगर उसके हवाले से हम बात करें तो इसमें मैं भी ना था, ये रदीफ चार अल्फाज पर मुश्तमिल, कभी एक लफ्ज पर मुश्तमिल होती है, कभी एक से ज्यादा पर मुश्तमिल होती है, कोई इसके बारे में पाबंदी नहीं है। लेकिन ये भी याद रहे कि जरूरी नहीं होता कि हर गजल के अंदर जो है वो रदीफ मौजूद हो। काफिया होना जरूरी होता है, रदीफ होना जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर व बेशतर जो आप गजलें मुताला करेंगे, जो गजलें आपके सामने आएंगी, उनमें रदीफ भी होती है, क्योंकि रदीफ की मौजूदगी से नगमगी और तरन्नुम का अंसर गजल में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और नगमगी तरन्नुम मौसिकियत ये गजल की बुनियादी खूबियों में से एक ही। अगले नुक्ते की तरफ चलते हैं कि गजल का वो शेर, गजल का पहला शेर मतला कहलाता है जिसका पहला मिसरा जिसे हम मिसरा उला कहते हैं, और दूसरा मिसरा जिसे हम मिसरा सानी कहते हैं, हम काफिया हो हम रदीफ होते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर पहले मतले में देखा, पहले शेर में देखा कि ये हम काफिया हो हम रदीफ भी है और दोनों मिसरे, लेकिन उसके बाद के जितने भी अशार हैं उनमें मिसरा उला में काफिया रदीफ नहीं होगा, लेकिन मिसरा सानी में काफिया और रदीफ मौजूद होगा। अच्छा, उसके बाद देखिए कि गजल के बाकी हर शेर के सिर्फ मिसरा सानी में काफिया और रदीफ होता है, जबकि मिसरा उला में काफिया और रदीफ नहीं होता। ये बात आप इन तमाम अशार में गौर करें तो ये बात बिल्कुल वाजह हो जाती है। अगला नुकता देखिए कि अगर शायर पहले मतले के बाद एक और मतला कहता है तो वो हुस्ने मतला कहलाता है।
इसका गौर करने के लिए वापस हम देखिए इस गजल पर आते हैं कि मतलब पहला शेर जिसके दोनों मिसले हम काफिया हो हम रदीफ होते। आमतौर पर गजल में एक ही मतलब होता है, लेकिन बार दफा शायर अपनी गजल में एक से ज्यादा मतले भी इस्तेमाल करते हैं। यानी पहले शेर के बाद भी जो दूसरा शेर आ रहा है उसमें भी दोनों मिसरे वो हम काफिया हो हम रदीफ रखते हैं, मतलबों की तादाद एक से ज्यादा होती है। अगर एक से जायद मतले किसी गजल में मौजूद हैं तो पहला शेर तो मतला ही कहलाएगा, लेकिन दूसरा शेर जो कि अपनी नोयत के लिहाज से, अपनी साख के लिहाज से, अपनी हियत के लिहाज से भी मतला ही है, उसके लिए हम इसे थोड़ा सा इसे मुमताज करने के लिए इसे हुस्ने मतला कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही मतला है, लेकिन फर्ज कीजिए कि इसमें एक और शेर होता और उसमें भी दोनों मिसरे हम काफिया हो हम रदीफ होते तो हम उसे हुस्ने मतला कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला हमारे पास एक और पॉइंट मौजूद है, एक और नुकता मौजूद है कि क्या गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम या तखल्लुस, और तखल्लुस जैसे मैंने आपको बताया कि ये कलमी नाम होता है इस्तेमाल करता है, तो वो शेर मक्ता कहलाता है। और जैसे कि हमने जो इस वक्त गजल बहुत खूबसूरत गजल है जो हमने ली, और आप देख सकते हैं कि इसकी शायर जो है वो जमाल एहसानी है। और इस गजल से आपने एक बात ये भी जान ली होगी कि वो जो रिवायती तस्वुर है कि जनाब की गजल सिर्फ इश्क से रुमान से बहस करती है, ऐसा नहीं है। इस गजल में देख लीजिए कि आपको इसमें रुमानवियत भी नजर आएगी, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप दूसरे शेर पर गौर करें जो बहुत खूबसूरत शेर है, तो इसमें हमारे जो माशरे का आज का जो अलमिया है कि एक घर में रहने वाले अफराद हैं सब साथ हैं, लेकिन साथ होते हुए भी वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ना दिखने वाली दीवारें हमारे दरमियान मौजूद होती हैं, हमारे दिलों के दरमियान मौजूद होती हैं। बहुत खूबसूरत मजमून उन्होंने यहाँ पर बयान किया है। अब पहले वाले में देखिए कि जिंदगी की एक कड़वी हकीकत हमारे सामने मौजूद है, और बार दफा हम खुद अपनी जिंदगी का, अपनी तकदीर का रोना रो रहे होते हैं कि शायद जिंदगी में जो कुछ बुरा हुआ वो मेरे साथ ही हुआ। लेकिन शेर को पढ़ने के बाद होता है कि बार दफा हम अपनी तीरगी का रोना रोते हैं, लेकिन न जाने कितने अनगिनत ऐसे मकान होते हैं, ऐसे घर होते हैं जहाँ तीरगी मौजूद होती है। तो दुनिया में हम अकेले नहीं हैं जो गमों से सामना कर रहे हैं, हर शख्स की जिंदगी गमों से इबारत है, जरूरत है तो हौसले की। तो आप सिर्फ इन्हीं अशआर से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि गजल सिर्फ एक ही नुक्ते पर, इश्क के नुक्ते पर, इश्क के महवर पर नहीं घूमती है, इसका दामन बेहद वसी। जितनी जिंदगी रंगा रंग है गजल भी उतनी ही रंगा रंग है, जितने जिंदगी के मौजूआत हैं पहलू हैं उतनी ही गजल के मौजूआत हैं और पहलू हैं। और यहाँ अभी मजीद इसकी वजाहत होगी जब आगे चलकर हम मुख्तलिफ शोराए कराम के अशआर का मुताला करेंगे, कुछ चुनिंदा कुछ मुंतखब अशआर का मुताला करेंगे। अगली स्लाइड की तरफ हम आते हैं, आइए कुछ अहम निकात और भी हम देख लेते हैं कि इसमें देखिए कि गजल का सबसे खूबसूरत शेर बेतुल गजल या शाह बैत कहलाता है। याद रखिएगा कि एक गजल बहुत कम ऐसा होता है कि गजल के तमाम अशआर ही आपके दिल को मोह लें, आपको मुतासर करें। बार दफा दो तीन अशआर, बार दफा एक शेर, बहरहाल पसंद अपनी अपनी होती है वो बार दफा। तो इस हवाले से याद रखिएगा कि जो गजल का सबसे अच्छा शेर होता है उसे हम बेतुल गजल कहते हैं या शाह बैत कहलाता है। जैसे कि अभी हमने जमाल एहसानी की जो गजल हमने अभी अपने सामने ली थी, अगर मेरी मुझे जो ज़ाती तौर पर इस शेर के जो पसंद है वो दूसरा शेर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई दूसरा शेर पसंद आए, तो ये आपकी अपनी पसंद के लिहाज से होगा। जरूरी नहीं है कि सबका इत्तेफाक हो कि जी यही शेर बेतुल गजल है, ऐसा होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। बहरहाल जो भी शेर आपको अच्छा लगता है, जो आप समझते हैं कि हासिल गजल है, इस गजल की जान है, उसे हम बेतुल गजल या शाह बैत कहते हैं। अगले नुक्ते की तरफ पढ़ते हैं कि गजल का हर शेर मजमून व ख्याल के लिहाज से दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है, और यही गजल की असल खूबसूरती है। कभी कभी ऐसा भी आपको नजर आएगा कि पूरी गजल में आपको लगेगा कि यार शायर सिर्फ एक ही ख्याल को मुख्तलिफ तरह से बयान कर रहा है, तनवू के साथ बयान कर रहा है, नित नए रंग में बयान कर रहा है, लेकिन ख्याल एक ही है। ऐसा बहुत कम होता है। बुनियादी बात याद रखिएगा कि गजल का हर शेर एक अलहदा एक मुख्तलिफ मफहूम को बयान करता है, लेकिन ये बात जरूरी है, ये सही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी गजल में मौजू या ख्याल का रब्त व तसलसल मौजूद होता है। अगर ऐसा लगे आपको तो वो गजल ऐसी गजल गजलें मुसलसल कहलाती है।
लेकिन याद रहे कि ज्यादातर जो गजलें होती हैं वो गजलें गैर मुसलसल होती हैं, यानी उनमें रब नहीं होता, मुख्तलिफ मौजूआत होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हर शेर में मुकम्मल मजमून होगा, लेकिन कभी कभी आपको लगे कि इस गजल में एक ही मजमून, एक ही ख्याल का रब है, तसलसल है, तो वो गजल हमारे पास गजलें मुसलसल कहलाती। मसलन आपने जरूर सुना होगा उस्ताद अमानत अली खान की आवाज में बहुत मशहूर गजल है इब्न इंशा की, इन शाह जी उठो अब पूछ करो। तो इसमें आप देखिए, इसमें ख्याल का एक रब है, एक तसलसल है, मौजू की यकसानियत है, हम कह सकते हैं कि ये एक गजलें मुसलसल। उसके बाद देखिए आखिरी नुक्ते, आखिरी नुक्ते की तरफ चलते हैं कि अगर गजल में रदीफ हो तो वो गजल मुरतब गजल कहलाती। अभी हमने जमाल एहसानी की गजल दी थी, उसमें रदीफ मौजूद थी, मैं भी ना था, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि रदीफ होना गजल के लिए जरूरी नहीं है, काफिया होना जरूरी है। तो बहुत सारी गजलें ऐसी भी हैं, खासतौर पर आप अगर अल्लामा इकबाल की मुतादिद गजलें देखेंगे वो गैर मुरद्दिफ हैं, काफिया तो है लेकिन उसमें कोई रदीफ का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन इसके साथ साथ वही बात आपके पेश नजर रहे कि अक्सर गजलें रदीफ उसमें मौजूद होती है, क्योंकि रदीफ की मौजूदगी से मौसीकियत का असर ज्यादा होता है, बढ़ जाता है। बहरहाल दो इस्तेलाहात और आप देख लीजिए कि अगर गजल में रदीफ है तो वो मुरद्दब गजल कहलाती है, और अगर रदीफ नहीं है तो ऐसी गजल गैर मुरद्दब गजल कहलाती है। ये बात याद रखिएगा कि छोटी छोटी सी इस्तेलाहात हैं, इनको आपने जहन में रखना चाहिए, क्योंकि जब आप इम्तहान में अशार की तशरीह करते हैं तो आपने इन्हीं इस्तेलाहात को इस्तेमाल करके उस शेर की तशरीह करनी होती है, वजाहत करनी होती है, ये बेहतर अच्छा मुस्तनद तरीके का है। जैसा कि आपने नोट किया होगा ना कि हर इल्म की अपनी एक जुबान होती है, जब इल्म कीमिया वाले बात करते हैं तो वो एटम का जिक्र करते हैं, ऑर्बिट का जिक्र करते हैं, तो उनकी एक अपनी जुबान होती है। तो इसी तरीके से हमें भी अदबी जुबान को इस्तेमाल करना है जब हम अदब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, अदब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अब आइए देखिए जनाब, आपके सामने एक और मौजूद है, एक हेडिंग मौजूदात गजल के नाम से, कि जो हम पहले बात कर चुके हैं वो देख लीजिए कि माजी के बरक्स अब गजल इसको आशिकी की तंगो तारीख गलियों से निकलकर इंसानी जात और मौशरे के हर एक पहलू की तर्जुमान बन चुकी है। वारदाते हुस्ने हुस्न इश्क हो, कर्ब ज़ात का बयान हो, तसव्वुफ हो, गमे दौरा का तस्करा हो, या समाजी नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाज हो, गजल ने हर एक मौजू के लिए अपना दामन वसी कर दिया है। अब आपको बहुत सारी गजलों में इंसान जो जदीद दौर में जिन मसाइल का सामना कर रहे हैं उनका जिक्र मिलता है, कहीं इंसान खालिस्तन अपने दुखों का जिक्र करता है, कहीं पर समाज में मौजूद नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाज की आवाज बुलंद की जाती है। इन सब मौजूदात के लिए गजल ने अपना दामन वसी कर दिया है। तो याद रहे कि माजी के बरस जो हमारा तस्वुर था वह बिल्कुल बदल चुका है, गजल बदल चुकी है, बहुत वसी हो चुकी है, और शायद यही वजह है, यही लचक है गजल के आज गजल बिलाशुबा असनाफ शायरी में, अगर उर्दू असनाफ शायरी में हम देखें तो सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जो है वो सैफे सुगन है। और जैसे कि अभी हम आगे चलकर मुख्तलिफ नाकिदीन की आरा पढ़ेंगे तो आपको इस हवाले से मजीद आप जान सकेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि गजल के अंदर इसका पस मंजर क्या है, गजल किस तरह से मुतारिफ हुई उर्दू अदब के अंदर। ये बात याद रखिएगा कि दुनिया की जुबानी एक जुबान दूसरी जुबान को मुतासिर करती है। उर्दू में बहुत सारे अल्फाज अब अंग्रेजी के शामिल हो चुके हैं, लेकिन बुनियादी इसका मादा फारसी, अरबी, हिंदी जुबानों से बहुत ज्यादा जो है उर्दू जुबान मुतासर है। तो जिस तरह जुबान जो है जखीरे अल्फाज के हवाले से जो है वो, तो एक जुबान का अदब भी दूसरे जुबान को मुतासर करता है। मसलन देखिए कि उर्दू गजल जो है वो असल में फारसी अदब से जो है वो मुस्तार है, उर्दू अदब जो है वो फारसी अदब से मुस्तार है, लेकिन ये फारसी अदब के भी अगर हम गौर करें तो फारसी अदब में भी फारसी शायरी में जो आई है गजल ये असल में अरबी से आई है, अरबी कसीदे। अरबी कसीदा एक ऐसी तवील नज्म होती है जिसमें किसी की मदह की जाती है, किसी की तारीफ की जाती है, इसके मुख्तलिफ अज्जा होते हैं, तो उसी में एक जुज है जो तशबीब कहलाता है, इब्तदाई हिस्सा है। इसी तशबीब को फारसी शोरा ने अलहदा किया कसीदे से, और फिर वहां से एक सिलसिला जो है गजल का शुरू हुआ। तो हमें खालिस्तन गजल के नाम से अरबी अदब में तो कोई चीज नजर नहीं आती, लेकिन
ये जरूर है कि वहां से जो कसीदे की रिवायत थी उसी कसीदे का असर फारसी अदब पर यह पड़ा कि वहां पर गजल का वजूद हुआ, गजल लिखी जाने लगी और फिर ये फारसी गजल जो है वो उर्दू गजल उर्दू अदब में जो है वो शामिल हुई। तो अरबी कसीदे का अवलीन हिस्सा तशबीह फारस में ईरान में यानी कसीदे से अलग होकर गजल के रूप में जलवा नुमा हुआ। और इस हवाले से याद रखिए कि वली दत्नी उर्दू का पहला काबिल जिक्र गजल को, जिसे हम कह सकते हैं कि बकायदा एक गजल की रिवायत जो हमारे यहाँ चल पड़ी वो उसका रुए रबा उसकी इब्तिदा जो है वो वली दत्नी से होती है। इसी नस्बत से उन्हें उर्दू गजल का बाबा आदम भी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि कदीम जमाने में जिस तरह से हमारे यहाँ शायरी का तसलसल चला आ रहा था उसमें एक जिद्दत, उसको एक हमारे माशरे के जो मसाइल हैं उनके मुताबिक ढालना, उसको जदीद रंग में रंगना, ये कारनामा जो है वो हमें मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली सर अंजाम देते हुए नजर आते हैं। इसी नस्बत से उन्हें कहा जाता है कि जनाब ये जदीद गजल के बानी है। तो ये थोड़ी सी हमारी बात हुई कि गजल के मौजूआत कौन कौन से होते हैं, इसका पस मंजर क्या है, किस जुबान से कहाँ से जो है वो उर्दू गजल का वजूद हुआ। और अब हम थोड़ा सा आगे चलकर इस बात पर गौर करेंगे मुख्तलिफ मुमताज जो शोरा कराम हैं उनके कुछ मुंतखब अशआर लेकर उस पर हम गौर करेंगे अगली स्लाइड के अंदर कि हर शेर हमें एक मुकम्मल मजमून की वजाहत करता नजर आएगा। और दूसरी बात हम ये देखेंगे कि वहां पर मजमून की यकसानियत नहीं होगी, आपको चाहे वो इश्क हकीकी का मामला हो, अपने रब से ताल्लुक का मामला हो, गमे दौरा हो, अपनी ज़ात का कोई अलमिया हो, माशरे में फैले हुए मसाइल हों, माशरे की टूट फूट हो, माशरे की बदलती हुई अकदार हो, उन सब का तस्करा जो है वो आपको गजल में नजर आएगा। आगे अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, कुछ अशआर आपके पेश खिदमत हैं। देखिए वली दत्नी के एक बहुत खूबसूरत शेर समाजी मसले की तरफ निशानदेही करता हुआ कि मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। अगला शेर देखिए ख्वाजा मीर दर्द तसव्वुफ के बानी उर्दू शायरी में कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, मन्ना ताहत के लिए कुछ कम न दे करो क्या। बहुत खूबसूरत बहुत आफाकी नोयत का शेर कि इंसान की पैदाइश वो इंसान दूसरे इंसान के दुख का मदावा है, उसकी मुश्किलात करनी तो सिर्फ रब की इबादत ये नहीं है कि इंसान हमा तन तस्बीह लेकर चाहे नमाज पर बैठा रहे, सजदे में अपना सर झुका के रखे, इबादत का एक रुख ये भी है कि उसके बंदों की खिदमत की जाए, उनके दुखों को उनकी तकलीफ का मदावा किया जाए। आगे चलिए जनाब मीर तकी मीर के हवाले से कि शाम ही से बुझा सा रहता है दिल है गोया चराग चराग मुफलिस का। बहुत खूबसूरत शेर बहुत खूबसूरत तशबीह इस्तेमाल की गई है। अब आइए मिर्ज़ा सदुल्लाह खान गालिब उर्दू शायरी का जिन्हें दिमाग कहा जाता है, खूबसूरत एक नफ्सियाती जो है कि इंसान की एक नफ्सियात है कि इंसान जब बहुत सारी मुश्किल से गुजरता है तो वो उनका आदि हो जाता है, फिर उसे मुश्किलें नहीं रखती। तो अगर हम जिंदगी में अपना रुख नजर ये बना रहे हैं कि जिंदगी अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाई है इसमें मुश्किलें भी होती हैं, तो यकीन जिंदगी को गुजारना बहुत आसान हो जाए। यही ख्याल गालिब ने इस शेर में बयान किया है कि रन से होकर हुआ इंसान तो मिट जाता है रन, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गए। अब आइए शेख मोहम्मद इब्राहिम, देखिए इनका असल नाम है लेकिन जौक इनका तखल्लुस है, इनका कलमी नाम है। यही मामला हमारे पास मिर्जा असदुल्लाह खान, उनका असल नाम और उनका तखल्लुस उनका कलमी नाम गालिब। जौक साहब का देखिए बहुत खूबसूरत है कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा पर सिमत लोग जो अक्सर मुश्किल जरा सी भी अगर जिंदगी में आ जाए तो मरने की दुआ करते, वो कहते हैं कि जनाब सुकून तो ना दुनिया में, और अगर हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं और अगर दुनिया से हम कोई ऐसा तोशा लेके आगे नहीं जाते तो ये क्या गारंटी है, क्या जमानत है कि वो वक्त अच्छा होगा। मोमिन खान मोमिन का देखिए खूबसूरत शेर, और इतना खूबसूरत शेर है कि जिसके बारे में गालिब ने कहा था मोमिन से कि आप मेरा पूरा दीवान ले लीजिए लेकिन ये शेर मुझे अता कर दीजिए, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। आगे देखिए जनाब अल्ताफ हुसैन हाली, अगला शेर बहुत खूबसूरत, इंसान की फितरत है कि इंसान आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और यही वो जज्बा है जिससे हम आज अपनी दुनिया को देखते हैं कि बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज से कई सौ साल पहले की जिंदगी और आज की जिंदगी देखें, जमीन आसमान का फर्क है। इंसान की जस्तजू है, आगे बढ़ने की लगन है,
बेहतर से बेहतरीन की जस्तजू है जिसने जिंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। अंधेरे उजालों में ढल गए हैं, महीनों का बरसों का सफर जो है अब चंद घंटों में चंद दिनों में तय हो जाता है। तो है जस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नजर कहाँ। उसके बाद देखिए मौलाना हजरत मोहानी है हमारे पास, इन्हें मुजद्दिद गजल्स के नाम से भी जाना जाता है। उनका एक बहुत खूबसूरत रोमानवी शेर है कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। अब हम आगे बढ़ते हैं लामा इकबाल की तरफ, तो बहुत खूबसूरत से एक मोमिन की जो फितरत है, मोमिन का ईमान उसे जिस सूरत में तब्दील कर देता है, बहुत खूबसूरत अक्कासी की कि जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। कि मोमिन की जिंदगी में जवाल पस्ती नाकामी कोई मायने नहीं रखती। अगर वो गिरता है अगर नाकाम होता है तो कुछ लम्हों के बाद फिर कहीं से कामयाब हो जाता है। तो ये उसका ईमान है, ये उसकी फितरत है कि वो कभी नाकामी से दो चार नहीं होता, कभी मायूसी के भंवर में फंसता नहीं है। जिक्र मुरादाबादी उपसर से कि वो अदाए दिल बरी हो कि नवाए आशकाना, जो दिलों को फतहा कर ले वही फातह समाना। कि असल में दौलत से ताकत से किसी को फतह करना क्या फतह, कि जो दिलों में बस जाए कि जो दिलों में रहता हो इससे लोग मोहब्बत करते हैं, असल में फातह जमाना तो वही कहलाने का मुस्तहिक होता है। ऐसा दानिश की तरफ आई शायरी मजदूर, बहुत खूबसूरत शेर कि कब्र की चौकटे खाली हैं इन्हें मत भूल, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए। नासिर काजमी की तरफ आई बहुत खूबसूरत शेर कि दिल तो अपना उदास है नासिर, शहर की मुसाएं साए करता है। ये बिल्कुल नाम की फितरत है कि अगर अंदर दिल में उदासी बसी हो तो फिर हमें हर चीज ही उदास नजर आती है, किसी काम में दिल नहीं लगता, जी नहीं लगता। एक ऐसा तजर्बा है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे होते हैं, बल्कि गुजरते रहते हैं। आगे आइए बहुत खूबसूरत आज के इस तेज इस जदीद शौर शहर का जिंदगी का जो है वो एक अलमिया देख लीजिए कि आज हम इतने मसरूफ हो गए हैं कि बहुत सारी अदार हमारे में से खत्म होती जा रही है, मादियत परस्ती आम होती जा रही है। इस हवाले से प्रोफेसर इनायत अली खान का बहुत बहुत खूबसूरत शेर है कि हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे गए हादसा देख कर। सिर्फ हादसा हो जाना ये अलमिया नहीं था, हमारी दिलों में बसने वाली बेहिसी किस कदर बढ़ चुकी है कि हम एक नज़र रुकते भी नहीं हैं, किसी को सहारा देना अब ये सब कुछ माजी का हिस्सा बन गए। तो ऐसी बेहिसी और ऐसी मादियत परस्ती, इसका रोना, इसकी अक्कासी इस खूबसूरत शेर में होती है। और आज के इस वीडियो लेक्चर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ नाकदीन की आरा देखते हैं, उनकी आरा से मजीद गजल के कुछ और गोशे हमारे सामने नुमाया हूँ। देखिए पहले हमारे पास राय डॉक्टर अब्दुल खैर कश्मी साहब की है कि गजल हमारा सकाफती नसबनामा है। कई सौ साल, उर्दू की ज्यादा उम्र नहीं है लेकिन कई सौ साल जो उर्दू की उम्र है तो उसमें इब्तदा ही से हमारे यहाँ शायरी का जो सिलसिला शुरू हुआ था और उसमें जो हमारी रिवायात हमारी मुकामी रिवायात ये सारे के सारे रंग इसमें बस गए। तो अगर कोई बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों की तारीख लिखना चाहे, सकाफत के बारे में लिखना चाहे तो गजल उसे बहुत ही बेशबहा मवाद फराहम करती है। आगे देखते हैं कि प्रोफेसर औल अहमद सरूर साहब कहते हैं कि गजल का आर्ट इशारों का आर्ट है और ये इशारे बड़ी बड़ी दास्तानों को अपने अंदर समोए हुए हैं। ये असल में बहुत बड़ी खूबसूरती की तरफ गजल के इशारा करते हैं क्योंकि हर शायर के पास जो भी गजल लिखता है उसके पास सिर्फ दो मिसरे होते हैं अपने मुकम्मल मजमून को बयान करने के लिए, इसलिए इसके अंदर रमज़ो ईमा एक बड़ी बात को समेट देना, एक बड़ी बड़ी दास्तान को सिर्फ दो मिसरों में बयान कर देना ये बहुत बड़ा फन है और ये जरूरी भी होता है, उसके बगैर गजल गजल नहीं होती। तो गजल का फन जो है वो एक बड़ी बड़ी दास्तानों को सिर्फ दो मिसरों में समेट देने का फन है और ये इस लिहाज से ये एक बहुत मुश्किल फन हो जाता है। प्रोफेसर रसीद अहमद सद्दीकी कहते हैं कि गजल को मैं उर्दू शायरी की आबरू समझता, ये बात एक हकीकत है कि जब भी उर्दू शायरी का जिक्र किया जाएगा गजल जरूर जेर बहस आएगी। डॉक्टर वकार अहमद रिजवी कहते हैं कि गजल एक हसीन गुलदस्ता है जिसमें रंगा रंग फूल होते हैं।
यकसानियत नहीं होती, हर शेर एक खूबसूरत मफहूम को मजमून को बयान करता है। डॉक्टर वजीर आला की तरफ चलते हैं, बहुत बड़े शायर नक्कात या गजल ने जिस अंदाज से शेर के पैमाने में बड़े बड़े मतालिब को समेटा है, शायरी की किसी और सिंह के बस का रोग नहीं। डॉक्टर इबादत बरेलवी देखिए, वो अपनी राय का इजहार करते हुए कहते हैं कि गजल कोई बड़ी मुश्किल चीज है, नए नए ख्यालात को नए नए अंदाज से सिर्फ दो मिसरों में समो देना बिलाशुबा दरिया को कूजे में बंद कर देने की मिसाल। ये कुछ बहुत अहम आरा थी और मुझे उम्मीद है कि इससे मजीद गजल को समझने की राह हमवार होगी। अजीज तलबा और तलबात, अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा एक असाइनमेंट लीजिएगा कि आप अपनी दर्सी किताब की किसी भी गजल को लीजिए और फिर उसमें आप उसके मुख्तलिफ अज्जा को जो है मार्क कीजिएगा कि मतला क्या है, मक्ता क्या है, उसमें काफिया क्या है, उसमें रदीफ क्या है, ठीक है, उसमें आपको कौन सा शेर ऐसा है जिसे आप समझते हैं कि बेतुल गजल कहलाने का जो है वो मुस्तहिक है, तो देखिएगा क्या वो गजल गजल मुसलसल है या गजल गैर मुसलसल है, क्या वो गजल मुरतब है या गैर मुरतब है। इन सब बातों को आपने वहां पर नोट करना है, उसकी निशानदेही करनी है। इसके साथ साथ ये देखिएगा कि वो हर शेर जो है वो आप गौर कीजिएगा कि किसी एक मौजू के हवाले से है या मुख्तलिफ मौजूआत का अहाता किया गया है, और फिर ये भी देखिएगा कि क्या सिर्फ उसमें सिर्फ जिंदगी का एक ही रंग है या सिर्फ रोमानियत ही गालिब है या फिर उसमें मुख्तलिफ किस्म के जिंदगी के रंग उसमें शामिल है। तो आपको लिखना नजर आएगा बहुत कम ऐसा होता है कि गजलें मुसलसल हों, एक ही रंग में डूबी हुई हों। अक्सर जो हमारे पास गजलें होती हैं उनमें जो अशार होते हैं वो मुख्तलिफ मौजूआत पर मुख्तलिफ मजामीन के होते हैं, तो ये आपने निशानदेही करनी है। इससे आपकी जो गजल के हवाले से तफहीम है, अंडरस्टैंडिंग है, वो भी आपकी बढ़ेगी और आपकी मजीद इसकी मश्क भी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।